वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अनब्रिक कैसे करें जो कि रेडमी नोट 8 प्रो को। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे चार्जिंग लगाने के बाद यहाँ पे आपको रेड लाइट देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे डिवाइस ऑन नहीं होता है। जो कि यहाँ पे देख सकते हो, डिवाइस यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी की वर्किंग नहीं। तो सिंपल आपको यहाँ पे रेड लाइट देखने को मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे निकलने के बाद चला जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है मेरा डिवाइस ब्रिक हो चुका है, जो कि रेडमी नोट 8 प्रो। तो यहाँ पे मैं बैक पैनल भी दो तीन बार ओपन कर चुका हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। बैक पैनल दो तीन बार ओपन करके यहाँ पे मैं जो है कुछ एक्स्ट्रा भी ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी मेथड वर्किंग नहीं मिला। तो यहाँ पे मेरा जो है डिवाइस यहाँ पे ब्रिक हो चुका है, जो कि यहाँ पे मैं क्या किया था, MIUI 12 में यहाँ पे जो है कस्टम रॉम इंस्टॉल करने की कोशिश किया था, जो कि यहाँ पे Android 9 पाई पे नहीं गया था मैं। MIUI 12 Android 10 के ऊपर यहाँ पे मैं प्रीलोडर इंस्टॉल कर चुका था। उसके बाद डिवाइस रिबूट ही नहीं हुआ, मेरा डिवाइस यहाँ पे फुल्ली डेड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बैक पैनल ओपन करके कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा भी किया, तो अभी यहाँ पे जो है मुझे कोई भी यहाँ पे मेथड वर्किंग नहीं मिला। फाइनली मुझे एक मेथड वर्किंग मिला है, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे मेरा जो है डिवाइस फुल्ली डेड है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कि अनब्रिक करना है, तो आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे मैं फुल्ली आपको यहाँ पे विदाउट एनी ऑथोराइज्ड अकाउंट के आप यहाँ पे बेशक अनब्रिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो है यहाँ पे व्हाइट लाइट ब्लिक होगा, जो कि यहाँ पे LED नोटिफिकेशन लाइट ओनली यहाँ पे ब्लिंक होगा। अगर आप यहाँ पे पावर कनेक्ट करते हो तो आपका सिर्फ यहाँ पे LED नोटिफिकेशन लाइट ही ब्लिंक होता है। तो यहाँ पे आपका LED नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक होता है, आप यहाँ पे जो है डिवाइस पावर ऑन नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे LED नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक हो रहा है। यहाँ पे चार्ज लगाने टाइम पे आपका जो है सिर्फ यहाँ पे LED नोटिफिकेशन ब्लिंक होता है। पावर की को प्रेस करने के बाद सिर्फ आपका डिवाइस यहाँ पे वाइब्रेट होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कि आपको यहाँ पे जो है अपने डिवाइस को यहाँ पे साइड में कर लेना है, और आपको यहाँ पे आना है PC में, जो कि यहाँ पे मैं आ चुका हूँ PC में, देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं आ चुका हूँ PC में। PC में आने के बाद आपको यहाँ पे अनब्रिक रेडमी नोट 8 प्रो, आपको यहाँ पे नो ऑथराइज्ड अकाउंट, जो कि यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है, 113 MB का आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है ABX डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फास्ट बूट रॉम डाउनलोड कर लेना है, जो कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हो फास्ट बूट रॉम, जो कि आप 12.0.6.0 डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे 12.0.4.0 भी डाउनलोड कर सकते हो। 6.0 यहाँ पे ग्लोबल का है, उसके बाद यहाँ पे 4.0 यहाँ पे जो है इंडियन वर्जन का है। अगर आपका डिवाइस यहाँ पे इंडियन वर्जन का है तो आपका यहाँ पे इंडियन वर्जन का डाउनलोड कर लेना, अगर आपका डिवाइस यहाँ पे ग्लोबल वर्जन का है तो ग्लोबल वर्जन का डाउनलोड कर लेना है, रशियन वर्जन का है तो रशियन वर्जन, उसके बाद चाइनीज वर्जन है तो चाइनीज वर्जन का। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है, जो कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने के बाद एक फोल्डर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ये फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर है। तो यहाँ पे फोल्डर को कट करना है, कट करके आपको यहाँ पे लोकल डिस्क सी, यहाँ पे शाओमी आपको फोल्डर, इसके अंदर आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। अगर ये फोल्डर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे फोल्डर बना लीजिए, जैसे कि यहाँ पे शाओमी शाओमी फ्लैश बोल के एक फोल्डर बना लेना है, इसके अंदर आपको सिंपल पेस्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मैं पेस्ट कर चुका हूँ, जो कि देख सकते हो 12.0.4.0। तो एक फोल्डर यहाँ पे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसके अंदर यहाँ पे फास्ट बूट रॉम पेस्ट कर चुका हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो कि यहाँ पे अनब्रिक इसका यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो एक्सट्रैक्ट होने तक आपको वेट कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, जो कि अनब्रिक रेडमी नोट 8 प्रो। तो उसके बाद इसको ओपन करना है, इसके अंदर आपको यहाँ पे पाइथन फर्स्ट यहाँ पे ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको एक लेटेस्ट पाइथन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ये जो है एक लेटेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक लेटेस्ट डाउनलोड कर चुका हूँ, जो कि 3.9.2। तो यहाँ पे आप ब्राउज करके डाउनलोड कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको लिंक दे चुका हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट पाइथन। तो इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, जो कि इसको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, और यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नेट डिस्कनेक्ट करना है। इसको यहाँ पे इंस्टॉल करने टाइम पे नेट यहाँ पे डिस्कनेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, जो कि यहाँ पे ऐड पाइथन जो कि यहाँ पे 2 to path आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, जो कि ऐड पाइथन 3.9 to path आपको यहाँ पे इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको इंस्टॉल्ड नाउ कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल्ड हो रहा है, तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड होने तक वेट कर लेना होगा।
तो यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद इसको क्लोज करना है, आपको यहाँ पे इंटरनेट को कनेक्ट कर लेना है, जो कि आपको यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट करना है, और आपको एक बार चेक कर लेना है जो कि इंटरनेट कनेक्टेड है नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है जो कि यहाँ पे मेरा इंटरनेट कनेक्टेड है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन करना है जो कि फोल्डर, तो यहाँ पे मैं बहुत सारे फोल्डर ओपन कर चुका हूँ, अनब्रिक रेडमी नोट 8 प्रो, यहाँ पे पाइथन, उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड, आपको इसको इंस्टॉल्ड कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड बता रहा है, जो कि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका है। अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है तो ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मेरा जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो उसके बाद प्रेस एन एग्री टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर लेना है, जो कि ड्राइवर्स आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल्ड कर लेना है, जो कि ऑपरेशन सक्सेसफुली। उसके बाद आपको यहाँ पे बैक आना है, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे एक बार बैक आना है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेप आपको यहाँ पे कर लेना है, जो कि इंस्टॉल्ड कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो इसको यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी इंस्टॉल्ड हो रहा है, तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल्ड हो चुका है, यहाँ पे आपको फिनिश करना है, और यहाँ पे आपको जो है इंस्टॉल्ड ड्राइवर फिल्टर आपको यहाँ पे जो है नेक्स्ट कर लेना है, और आपको यहाँ पे जो है डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है, जो कि तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको डिवाइस को कनेक्ट करना है। तो मीडिया टेक देख सकते हो, उसके बाद इसको यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल्ड सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैंसिल कर लेना है, बैक आना है, फोर्थ स्टेप पे आपको आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेना है डिवाइस को। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है जो कि रन दिस फोर स्टेप, उसके बाद वॉल्यूम अप, उसके बाद वॉल्यूम अप यहाँ पे प्रेस करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद वॉल्यूम अप को यहाँ पे रिलीज कर देना है, तो यहाँ पे देख सकते हो सिंपल यहाँ पे जो है एक आपको लाइट देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, इसको आपको क्लोज नहीं करना है, बैक आना है। यहाँ पे आपको ESP फ्लैश टूल के अंदर जाना है, आपको यहाँ पे फ्लैश टूल इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपको चूज कर लेना है, जो कि यहाँ पे डाउनलोड जो है आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ पे जाना है जो कि डेस्कटॉप अनब्रिक, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको यहाँ पे फास्ट बूट रोम का यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो एक सेलेक्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट होने तक वेट कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑथराइज्ड अकाउंट आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, तो उसके लिए डेस्कटॉप पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे डाउनलोड ओनली चूज़ कर लेना है, आपको यहाँ पे डाउनलोड पे प्रेस करना है।
जो कि यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड DA 100% हो चुका है। तो सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो रहा है। तो ये फ्लैश होने तक आपको वेट कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे आपको कोई भी ऑथोराइज्ड अकाउंट की आपको यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी ऑथोराइज्ड अकाउंट के आप बेशक यहाँ पे फ्लैश कर सकते हो यहाँ पे MIUI 12, नहीं तो यहाँ पे MIUI 11। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो है डिवाइस यहाँ पे ओनली यहाँ पे LED नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक हो रहा था, जो कि यहाँ पे मैं मदरबोर्ड चेंज करने तक चला गया था, जो कि 7000 रुपीज़ यहाँ पे मदरबोर्ड का यहाँ पे कॉस्ट था। तो यहाँ पे फाइनली मुझे एक मेथड यहाँ पे वर्किंग दिखा, तो यहाँ पे मेथड यहाँ पे मैं करके अपने डिवाइस का यहाँ पे अनब्रिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप भी बेशक ये मेथड फॉलो करके अपने डिवाइस का यहाँ पे आप अनब्रिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि फ्लैश हो रहा है, तो यहाँ पे आपको फ्लैश होने तक वेट कर लेना होगा। सिंपल आपका डिवाइस यहाँ पे ब्रिक होने के बाद आप अनब्रिक कर सकते हो। एक मेथड जो है ऑलवेज वर्क होगा, जो कि यहाँ पे ऑलवेज ये मेथड वर्क होगा। तो यहाँ पे आप कभी भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, तो आपको यहाँ पे फ्लैश होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड ओके, जो कि यहाँ पे फ्लैश हो चुका है। और आपको यहाँ पे पावर प्रेस करके आपको यहाँ पे डिवाइस को रिबूट करना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो पावर की को यहाँ पे प्रेस करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे डिवाइस वाइब्रेट होगा और आपको यहाँ पे सिंपल रिबूट कर लेना होगा। अगर आपका डिवाइस यहाँ पे चलने लगा, तो यहाँ पे आपको जो है आपको यहाँ पे चार्जिंग होगा थोड़ा टाइम, तो आपको सिंपल वेट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस का यहाँ पे जो है लाइट ऑफ हो चुका है। तो यहाँ पे आ चुका है जो कि रेडबीन का लोगो, जो कि यहाँ पे मेरा जो है डिवाइस यहाँ पे अनब्रिक हो चुका है, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे हैप्पी हुआ है, जो कि ये मेथड यूज़ करके, जो कि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जो कि मेरा यहाँ पे 7000 रुपये बच चुका है, जो कि यहाँ पे मैं मदरबोर्ड चेंज करने जा रहा था, जो कि यहाँ पे मुझे वीडियोज़ बनाना है। तो यहाँ पे मुझे जो है वीडियोस बनाना रहता है, जो कि Redmi Note 8 Pro के रिलेटेड। तो यहाँ पे मदरबोर्ड चेंज करना मैंडेटरी हो चुका था। तो यहाँ पे मैं फाइनली कुछ सोचा, जो कि यहाँ पे मदरबोर्ड कितनी बार चेंज करूँगा, इससे पहले भी एक बार चेंज कर चुका था, तो यहाँ पे और फिर से यहाँ पे चेंज करना इम्पॉसिबल सा था। तो इसके लिए यहाँ पे मैं फाइनली ये वीडियो आपको लेके आया हूँ, जो कि विदाउट एनी आप यहाँ पे एक भी पैसा दिए बिना आप यहाँ पे अपने डिवाइस को अनब्रिक कर सकते हो। कितने के लोगों का यहाँ पे जो है डिवाइस ब्रिक हो चुका होगा, तो यहाँ पे आप बेशक ये मेथड से अनब्रिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो MIUI का लोगो आ चुका है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली अपने डिवाइस को यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब करोगे तो यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।